आप देख रहे हैं निशाद ज्योत न्यूज की ताज़ा खबर। आज हम आपको निशाद ज्योत न्यूज का एग्जिट पोल सर्वे बताऊंगा कि निशाद समुदाय से जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो सारे प्रत्याशी जो है कि अपना चुनाव जीत रहे हैं, ये बिल्कुल तय हो चुका है। हमारी सर्वे टीम ने जो है कि अलग अलग लोकसभा सीटों पर जहाँ से निशाद प्रत्याशी अपना चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर जा कर के एक अलग सर्वे किया है, और उससे अलग सर्वे में जो है कि ये पूरी तरह से निकल करके आया है कि जितने भी निशाद प्रत्याशी हैं वो अपना सभी लोग अपना चुनाव जो है कि जीत रहे हैं लोकसभा का। तो इस तरह से सारे लोग चुनाव जीत करके जो है कि संसद भवन में जाएंगे और वहाँ से जो है कि निशाद समुदाय के हक सम्मान की बात को उठाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है कि सारी बातें जो है कि सार्थक होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि प्रवीण निशाद जो कि गोरखपुर के वर्तमान सांसद हैं, वो जो है कि संत कबीर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। वहाँ से जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो अपना चुनाव वहाँ से भारी मतों से जीत रहे हैं, बहुत बड़े अंतरों से जीत रहे हैं। वहाँ पर जो है कि कांग्रेस ने जब भालचंद यादव को चुनाव वहाँ से लड़ाया अपने टिकट पर, तो वहाँ से जो है जीत की संभावना एक तरह से निकल करके आ गई प्रवीण कुमार निषाद के लिए। पहले संभावना क्षीण नज़र आ रही थी, लेकिन जब भालचंद यादव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, तो वहाँ पर जो है कि सारी संभावनाएं निकल करके जो है प्रवीण निषाद के लिए आ गई हैं। तो वहाँ से ये सीट बिल्कुल जो है कि जीत की तय हो चुकी है। वहीं पर गोरखपुर से रामभुआल निषाद जो कि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो अपना चुनाव जो है कि भारी मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर निषाद समुदाय का सारा वोट जो है कि वो गठबंधन महागठबंधन को जाता हुआ दिखाई पड़ा। और वहाँ पर जो बातचीत हुई उससे ये तय हो चुका है कि गोरखपुर में जो है कि रामभुआल निषाद जो है कि भारी मतों से भारी अंतर से अपने प्रतिद्वंदी रवि किशन को हरा देंगे। हालांकि कल जो है कि सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जो है कि मिल जाएंगी। और हम बात करेंगे अब जो है कि रामचरितन निषाद जी जो है कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो। और वहाँ पर भी जो हमारी टीम ने सर्वे किया, तो वहाँ पर भी जो है कि सर्वे में ये निकल के आया है कि वहाँ से भी रामचरितन निषाद जी जो है अपनी सीट जो है कि निकाल रहे हैं, बहुत बड़े जो है कि भारी मतों से वहाँ से जो है कि चुनाव जीत रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी से। और वहाँ पर भारतीय जनता का प्रतिद्वंदी जो है कि हार रहा है अपना चुनाव। तो उसी तरह से जो है कि डॉक्टर रमेश बिंद जी वो जो है कि अपना चुनाव जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। तो वहाँ पर जो कि हमारी टीम जब पहुँची है, तो वहाँ पर सारे जो है कि समीकरण जो है कि वो जो है कि डॉक्टर रमेश बिंद के पक्ष में नज़र आए। और इस तरह से जो है कि आप देख रहे हैं, तो जितने भी प्रत्याशी हैं और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं निषाद समुदाय के जो लड़ रहे हैं, हम उनका जो है कि यहाँ पे लेखा जोखा नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। लेकिन ये बिल्कुल जो है कि सारे प्रत्याशी जो है कि अपना चुनाव जीत रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है, ये बिल्कुल तय हो चुका है। सारे निषाद जो है कि यहाँ से अपने अपने क्षेत्र से चुनाव जीत जाएंगे। कल चुनावी नतीजे सामने आने